अच्छा, बैंक स्टेटमेंट बनाने का एक प्रोसेस है आपके पास, एक तरीके का एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को हम बना लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। सबसे पहले यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे बैंक विश्लेषण स्टेटमेंट, यानी हम बना रहे हैं जनवरी 31, 2023 की, इसी तरह फरवरी मार्च अप्रैल हर की बनेगी। यहाँ पे लिखते हैं अनएडजस्टेड बैलेंस, यानी जो आपका बैलेंस आपका डिफरेंस आ रहा था जो अभी हमने डिस्कस किया था, यानी एक जगह आपका 1 लाख आ रहा था, एक जगह आपका 1,50,000 आ रहा था, ये हम लिख लेते हैं। इसको कहते हैं अनएडजस्टेड या एडजस्टेड नहीं, जब एडजस्टेड हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा सीएसी, ठीक है ना, एडजस्टेड हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अनएडजस्टेड बैलेंस। सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल में दिया होगा वो ले लेंगे जो बैलेंस आपको दिया। फिर उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन आपके पास आती है जिसको हम कहते हैं अनक्लियर चेक, ये ऐड करते हैं हम अनक्लियर चेक, अनक्लियर चेक भी कहते हैं, ठीक है इसको, और डिपॉजिट ट्रांजिट भी कहते हैं, अनक्लियर कहते हैं, मैं लिख देते हैं यहाँ पे, और डिपॉजिट इनटू ट्रांजिट भी कहते हैं, ठीक है, यानी वो चेक जो आपने जमा करा दिया लेकिन बैंक में जमा नहीं हुआ, अनक्लियर भी क्लियर नहीं होता, आप इसका कहते हैं बैंक में इसको आप ऐड कर देते हैं। यानी आप अपने पास ऐड किया होगा जो चेक आपने बैंक में जमा कराया होगा कैशबुक के अंदर, कैशबुक के जो डेबिट का है, ये देखें कैशबुक के डेबिट में आपने यहाँ पे ऐड किया होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैंक के स्टेटमेंट में यहाँ पे अभी ये ऐड नहीं हुआ जो आपको स्टेटमेंट मिली थी, तो क्या करेंगे आप उसको बैंक स्टेटमेंट में ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने भी ऐड किया था तो आप उसको ले जाके वहाँ पे भी ऐड कर देंगे। तो ये कहलाता है अनक्लियर चेक या डिपॉजिट ट्रांजेक्ट, इसको लेट डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लेट डिपॉजिट भी कहते हैं, ठीक है, इसको ये यहाँ जहन में रखना। एक तो ये आपके पास आ गया, दूसरा आपके पास आता है अनप्रेजेंट चेक या आउटस्टैंडिंग चेक, फिर इसका आप प्लस करने के बाद जो फिगर आएगी यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर एक और चेक आता है आप उसको लेस करते हैं, आप यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग चेक, या हम इसको कहते हैं अनप्रेजेंट चेक, अनप्रेजेंट चेक, आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंट चेक, ठीक है। एक और चेक हमारे पास आता है जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंट चेक। ये किस तरह होता है, आपने चेक दी एक पार्टी को, फिर कैश बुक आपने क्या किया होगा यहाँ से माइनस किया होगा, ठीक है, जब आपने किसी को चेक दिया तो अपने पास एक कैश बुक में से माइनस किया होगा क्रेडिट साइड में, लेकिन वो साहब जो है अभी बैंक में चेक लेके गए नहीं पेमेंट के लिए या लेट गए, तो आप क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने माइनस किया था अपने पास तो आप बैंक स्टेटमेंट माइनस नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया इसको बैंक स्टेटमेंट से भी माइनस कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं आप आउटस्टैंडिंग चेक, अनप्रेजेंट चेक, क्लियर। ये सेकेंड एग्जाम्पल आ गई हमारे पास, फिर आप क्या करेंगे, ये आ गए आप इसको क्या करेंगे यहाँ से माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो भी फिगर होगी माइनस का साइन लगाया लाइन ड्रॉ कर दी, ये दो चीज़ें आपके पास आ गए। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास एक आता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या इसको ये भी कहते हैं ऑनलाइन डिपॉजिटेड, ठीक है ना, ऑनलाइन डिपॉजिट भी कहते हैं, नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक, ऑनलाइन डिपॉजिटेड नॉट शो इन कैश बुक, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिया, या ऑनलाइन डिपॉजिट नॉट शो इन कैश बुक, कैश बुक में शो नहीं हो रहा, ठीक है, यानी क्या हुआ इसको अगर हम यहाँ पे समझें, किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए ऑनलाइन या डायरेक्ट, ये बैंक स्टेटमेंट बता रहा था लेकिन कैश बुक में आपके पास ऐड नहीं हो रहा था, तो कैश बुक में भी आप इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, बैंक में एक कस्टमर आपके पैसे जमा करा के गया तो ऐड हो रहा होगा लेकिन आपके पास कैश बुक में नहीं था, आपने इसको कैश बुक में भी ऐड कर दिया, ये क्या कहलाता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर
ये ऑनलाइन डिपॉजिट। तो ये क्या करेंगे, कैश बुक के कॉलम में हम यहाँ पे फिगर लिखेंगे और इसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये कैश बुक के ऊपर बिगनिंग फिगर, उसके बाद जो ये हमारे पास आ गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक आता है डिसऑनर चेक, एक हमारे पास आएगा डिसऑनर चेक, यहाँ पे लिखते हैं डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक या NSF, नॉट सफिशिएंट फंड। डिसऑनर मैंने डिस्कस किया था, चेक का मुस्तरद होना, NSF नॉट सफिशिएंट फंड, ये एक वजह है जिसकी वजह से आपका चेक मुस्तरद हो सकता है। या डिसऑनर लिखा होगा या NSF लिखा होगा, तो यानी चेक का मुस्तरद होना, ठीक है, बैंक ने चेक आपका वापस कर दिया, तो हम इसको क्या कहते हैं, डिसऑनर चेक को हम क्या करते हैं, कैश बुक में से माइनस कर देते हैं, ये कैश बुक में से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, हमने क्या किया होगा, कैश बुक के अंदर हमने इसको ऐड किया होगा, लेकिन बैंक ने ऐड नहीं किया, ठीक, बैंक ने चेक को प्रोसेस में डाला, पैसे नहीं आए तो ऐड नहीं किया, जब हमने इसको ऐड किया तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। अगर 1,00,000 रुपये ऐड किए थे तो 1,00,000 रुपये माइनस कर देंगे, इक्वल हो जाएगा, ठीक है, डिसऑनर चेक। तो डिसऑनर चेक हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हमारे पास एक आगे ज़कात डिडक्शन, ज़कात डिडक्शन, दूसरा हमारे पास आ गया सर्विसेज चार्जेस, तीसरा हमारे पास आ गया आपके पास इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस। ज़कात डिडक्शन, ज़कात कौन काटता है, बैंक। सर्विस चार्जेस कौन लगाता है, बैंक। इंटरेस्ट चार्जेस कौन लगाता है, बैंक। ये सारे के सारे चीज़ें कहाँ हो रहेंगे, माइनस हो रहेंगे, कहाँ से, बैंक स्टेटमेंट से माइनस हो गए। क्या कर रहा होगा, बैंक अपने पास से माइनस कर रहा होगा, क्या, ज़कात काटी है माइनस कर दिया, सर्विस चार्जेस लगाए माइनस कर दिया, इंटरेस्ट उसने काटा माइनस कर दिया, ठीक, उसने माइनस कर दिया। आपके पास अकाउंट में माइनस नहीं हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, इसको अपने पास से भी माइनस कर देंगे, ठीक है, बैंक ने माइनस किया था तो आपने भी माइनस कर दिया। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो आपके पास हैं, ये ज़कात, सर्विस और इंटरेस्ट चार्जेस, इन सबको ऐड करें, ऐड करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो कैश बुक में से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस करके जो फिगर आ रही है यहाँ ले लेंगे, ठीक है, ये आपके पास है। अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ एरर्स भी आ जाती हैं, जो एरर्स का टॉपिक हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ये एरर्स आपके कैश बुक में भी हो रही होगी, ये एरर्स आपके बैंक स्टेटमेंट में भी हो रही होगी। तो जहाँ पे ये एरर्स हो रही है उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एरर्स अगर आपने कैश बुक में किया, कैश बुक में आपने कोई प्लस करना था प्लस नहीं किया तो आप प्लस कर देंगे, अगर कैश बुक में कोई माइनस करना था माइनस नहीं किया तो आप माइनस कर देंगे, इसी तरह बैंक स्टेटमेंट में कोई चीज़ प्लस करनी थी प्लस नहीं हो तो आप प्लस कर देंगे, अगर जो माइनस करनी थी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद हमारे पास एरर्स आ जाती है। ये एक फॉर्मेट था आपके किसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाएंगे इसी फॉर्मेट पर बनाएंगे, इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद जो आपका आखिरी स्टेप आता है एरर्स से आता है, उस एरर्स को हम देखेंगे, जो एरर्स आपके पास, जहाँ कैश बुक एरर्स हो कैश बुक में ऐड करेंगे, बैंक स्टेटमेंट के एरर्स हो बैंक स्टेटमेंट में एरर्स करेंगे। ये फॉर्मेट आपका इसी तरह चलेगा, इसी तरह हम बनाएंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।